Gracias! दोस्तों आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं एक बहुत ही नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है Roblox. Yes, I think आप सब लोगों ने गेम खेली भी है और देखी भी है, पर आज मैं आपको इविल दादी से एस्केप करके दिखाऊंगा. ये लेवल बिल्कुल इविल नन के जैसा ही है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा मुश्किलें और हर्डलें रखी हुई हैं और हमें बहुत जगहों से बच बच के निकलना होगा. लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमको काफी हद तक मदद भी करके देंगे. लेकिन आप लोग प्लीज मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा. नाउ लेट्स गेट Alright, दोस्तों, ये है वो ईवी दादी जिसके यहाँ पे एक तरह ब्लैक स्पॉट भी लगा हुआ है और इसने हमको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है और अब हमें वहां से बाहर निकलना है और ये बैटरी को लेना होगा. और कैसे बाहर निकलेंगे, पहले मैं आपको तो दिखा दूं. एवेंजर लगा ना दम झकास ओपी. मुझे काफी अच्छा लगा मेरा एवेंजर. और यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो. ओवरबोर्ड है, मास्क है, पर इसके लिए हमें पेमेंट दे के परचेज करना होगा. नहीं नहीं, वो चीज को अभी खरीदने की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं परचेज करना है. अभी सिर्फ मेरा काम है बैटरी ढूंढ के यहां से निकलना है. वो देखो फंस गया था अंदर. चलो बाहर निकल गया. बैटरी कहाँ मिलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और कई जगहों पे कांटे बिछा रखे हैं, ये आप देख सकते हो. और यस, पहली बैटरी मिल चुकी है, लेकिन ऐसी एक और बैटरी लेनी मुझे और फिर वहां जाके उस पैनल पे लगाना होगा. अभी वो इविल दादी कहाँ पे है मुझे पता नहीं, पर अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है. और मैं अकेला नहीं हूँ. अच्छा, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, उनको भी फॉलो करूंगा तो मैं आराम से निकल जाऊंगा. और दूसरी बैटरी भी मिल चुकी है और अब मैं वो अंडरग्राउंड पैसेज अनलॉक कर रहा हूँ. हमारा पहला टास्क ऑब्जेक्टिव क्लियर होता हुआ और यहाँ पे देखते हैं क्या है. यहाँ पे एक दरवाजा है, उसकी तीन चाबियां लेनी होंगी. अब वो चाबियां कहाँ मिलेंगी, इसको तोड़ना होगा क्रोबार से. अब वो क्रोबार कहाँ है पता नहीं. अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है. हमें तीन बटन प्रेस करने हैं और फिर चाबियां लेके आना है. एक बटन मिल चुका है, दैट्स इट. और क्रोबार कहाँ पे है मुझे पता नहीं. अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, ये इविल दादी कभी भी यहाँ पे आके हमें पकड़ सकती है. मुझे बहुत ध्यान ध्यान से खेलना होगा. 15 मिनट्स लेटर, पूरे 15 मिनट से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और अब जाके मुझे क्रोबार मिल चुका है जिससे मैं वो दरवाजा का लकड़ियां तोड़ पाऊंगा. और ये मैडम क्यों ऐसे यहाँ पे खड़ी है और ये पोर्ट्रेट किस चीज की है. ये इविल दादी की फैमिली है. यहाँ पे एक बटन है, आपको दिख नहीं रहा, मुझे भी दिख नहीं रहा, पर है. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा. मैंने बटन प्रेस कर दिया है और दूसरा भी हो चुका है, क्या बोलते हैं, अनलॉक. और यहाँ पे एक, ओ ये कौन था, मैं डर गया अचानक से, कौन आ गया. ओके, तीनों तीन बटन मैंने प्रेस कर दिए हैं और आई थिंक वो दरवाजा अनलॉक हो चुका होगा. यस, अनलॉक हो चुका है. अब बस मुझे यहाँ से निकलना है. Evil दादी आ गई. You are not in time out. Bad children who don't follow the rules will follow the punishment. हाँ, दे. तेरे डरता हूँ कि तेरे से मैं. Very good. और कहाँ जाना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ये लॉक को अनलॉक करना होगा. अरे मुझे कोई बताओ प्लीज, मुझे एक चाबी ढूंढनी होगी और चाबी कहाँ है मुझे पता नहीं. चाबी कहाँ है? उस चाबी तक, आई थिंक वो ही चाबी बड़े आराम से मिल गई. लेकिन इविल दादी यहीं कहीं आसपास घूम रही है. मुझे बहुत ध्यान ध्यान से खेलना होगा क्योंकि वो मुझे कभी भी आके पकड़ सकती है. Five minutes later, और ये चमगादड़ बैटमैन अभी भी वहीं का वहीं घूम रहा है. अरे मेरे पीछे दादी है, आके पकड़ ले. मुझे पता नहीं, पर ये इविल दादी इसके अंदर नहीं आ सकती है. अब ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं. और ये किया है, बाप रे, ये थोड़ा मुश्किल है. ध्यान से. बैटमैन, अरे बैटमैन तो उड़ के भी चला जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा. ध्यान से जाना है, जैसे हम नीचे गिरेंगे लेजर लाइट टच हो जाएगी और खत्म. और यस हो गया. और वो बैटमैन अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है. चलो हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं और आगे और भी डिफिकल्टीज मुश्किलें आने वाली है. पर यहाँ पे इविल दादी नहीं है, दैट्स इट. और ये कैसे ऊपर नीचे. कोई बात नहीं, ये जोर का हाई जंप कर. हाँ, यहाँ पे कोई तो होना चाहिए. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है. और
रे ये बहुत ध्यान से निकलना है, आगे कोई है, एक मैडम है उसको फॉलो कर करके निकल जाऊंगा, पर यहाँ पे थोड़ा मुझे डर लग रहा है, सब धक धक हो रहा है, कहाँ से जाना है। ओके ये क्या चीज है, ये कोई जंपर लगता है, तेरे पुंग करके जाएंगे हम लोग। ओके पर ध्यान से, ओ बहुत ही पतला खंबा है, अरे ध्यान से नीचे मत देखना, हम बहुत करीब पहुंच चुके, और वो मैडम अभी भी वहीं का वहीं ऐसे गोल घूम रही है। Women. फिर मुझे क्या, फटाफट निकलते यहाँ से। ओके ये भी एक और जंपर है भाई, यहाँ पे फास्ट होके खेलना काफी मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और ये भी एस्केप हो चुका है, और ये जो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी जगह थी हमने क्लियर कर ली है, और अब कहाँ जाना है मुझे कुछ समझ में नहीं। हाँ आ गया, यहाँ पे पक्का ईविल दादी होगी, ये कोई लाइब्रेरी है, और ये क्या बोल रही है, गुड चिल्ड्रन लिसन टू देयर मॉम एंड डैड, इट लुक्स यू लोग, अरे हाँ तेरे को जो बोलना है बोल, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। A few moments later. तो वेल अब हमें इस दादी ने बस भाग यहाँ से, दादी बिल्कुल मेरे पीछे ही है, रोबोटिक दादी है, पर अब मुझे दो चाबियां चाहिए, एक तो बड़े ही आराम से मिल गई, ये लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है, एकदम भूल भुलैया की तरह है, और दादी मेरे बिल्कुल पीछे ही है, कभी भी आके मुझे पकड़ सकती है। दूसरी चाबी का नहीं मिल रही है, कहाँ, इतनी बड़ी जगह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दादी आ गई, फटाफट दूसरी चाबी ढूंढो, निकल यहाँ से, क्योंकि दादी मुझे कहीं से भी आके पकड़ सकती है। 12 seconds later, वो कब से मैं ढूंढ रहा हूँ वो दूसरी चाबी, नहीं मिल रही है, पर कोई बात नहीं, ताला मिल गया है, और यहाँ पे हमें चाबी लगानी होगी, चलो कोई बात नहीं, चाबी नहीं मिली तो क्या हुआ, ताला तो मिल गया ना, कुछ आइए मैडम पकड़िए, उसकी स्पीड बहुत कम है और पीछे एक लड़की उसको तो पकड़ नहीं रही है, जेंडर बायस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे क्या, दूसरी चाबी मिल गई, मुझे आम खाने से मतलब है, गुटलियां क्या गिननी, और यहाँ पे इविल दादी ना आए तो अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं अभी आएगी दादी, दादी पकड़िए, आई आइए, मुझे पता है वो नहीं पकड़ सकती, आजा पकड़, मुझे लग रहा था वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी, अब ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, और वो वाला एरिया क्लियर होता हुआ, और अब हमें यहाँ पे स्केटबोर्डिंग करनी होगी, इट्स माय फेवरेट, पर आगे कांटे भी बिछा रखे हैं, हमें इधर से उधर टर्न लेना होगा। ऑल राइट हम काफी अच्छा खेल रहे, फटाफट, ये तो कितना मुश्किल है, पर ध्यान से जंप करना है, वहां पे लेजर लाइट अपने आप कभी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। ऑल राइट ओके वेरी क्लोज, यार क्या करूं, ये तो कितना मुश्किल है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाना होगा, ये फ्लोर्स ऐसे ऊपर हो रहे नीचे हो रहे, ऊपर हो रहे फिर नीचे हो रहे, फिर ऊपर हो रहे फिर नीचे हो रहे, पता नहीं क्या करना होगा यहाँ पे, अरे भगवान काश मेरे पर होते, मैं उड़ के निकल जाता यहाँ से, पर कोई बात नहीं, अभी जो है सो है, और यस चेक पॉइंट आ गया, और ये वाला एरिया मुझे लग रहा है काफी मुश्किल है, लग रहा है शायद इजी भी हो, कोई बात नहीं, और ओके ओके वेरी गुड अच्छा खेल रहे काफी, ध्यान से ध्यान। Later. और हम लोगों ने चेक पॉइंट ले लिया है, वो सबसे अच्छी बात है, और ध्यान से निकलना है, वो लेजर लाइट ऑन हो रही है, यार पता नहीं कैसे करूं वो अपने आप, कैसे क्या हो गया, रिलैक्स ओके खेलना है, रिलैक्स ओके, और एक और चेक पॉइंट, और लगता है यहाँ पे फाइनल बॉस फाइट होने वाली है, पर हम इसे कैसे मारेंगे, हमारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, और ये मैडम तो बड़े ही आराम से मार डालेगी, अच्छा मैंने हथियार का नाम दिया, और आई थिंक ये मुझे रॉकेट लॉन्चर लगता है, अरे उधर से पीछे घूम के मार, अरे उसकी हेल्थ तो कम हो रही है पर बहुत धीरे धीरे हो रही है, अरे फटाफट मार उसे मार, वो इविल दादी के पास भी बॉम्ब है, वो मुझे पक्का मार डालेगी, अरे मैं कहां से जाऊं, बस ये फाइनल बॉस फाइट है, इसके बाद लेवल क्लियर हो जाएगा, प्लीज ध्यान से पेशेंस सब रख के अच्छे से खेल, अरे वहां से मुड़ ओके ओके
और मुझे बहुत डर लग रहा है, कम काफी करीब पहुंच चुके हैं, हमने उसकी आधी हेल्थ खत्म कर दी। अरे जल्दी कर, जल्दी फटाफट फटाफट। हो गया। Meanwhile, और अब हम लोगों ने काफी हद तक क्लियर कर दिया है, पर एक बार मुझे लगता है जोर से रॉकेट लॉन्चर दूर से फायर करना होगा। कर दिया। अभी हमें कुछ मिलना चाहिए, कुछ अच्छा खाने की चीज होनी चाहिए, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, कोक, कुछ भी चलेगा। और ये क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगी और ध्यान से ऊपर उछल के जाना होगा। पर अभी हमें क्या मिलेगा, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और कल दिखाया है, ऑल राइट, क्या मिलता है देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। और लीडर बोर्ड पे मेरा नाम नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लेवल क्लियर होता हुआ, वी मेड इट। ऑलराइट दोस्तों, मैंने कल दिखाया, भले ही लीडर बोर्ड पे मेरा नाम नहीं है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा ये लेवल खेल के। और अगर आप लोगों को ऐसी ही एक और गेम देखनी है तो आप डोरेमोन और नोबिता का ह्यूमन फॉल फ्लैट यहां जाके इस पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा, टेक केयर एंड बाय।